टू माई चैनल कबूतर जी जान में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं इमरान खान। जैसे कि बहुत से दोस्त कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने जो ये गर्म नुस्खा बता रखा है वीडियो में जो कबूतरों को सर्दियों में गर्म रखता है, तो उसमें जो आपने चीज़ें बता रखी है मिकदार में या क्या क्या चीज़ें हम नहीं समझ पाएँ, तो आप प्लीज़ वीडियो में दिखा दें कि आप उसमें क्या क्या डालते हैं। तो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि हम उसमें क्या क्या आइटम डालते हैं, ठीक है जी दोस्तों। तो उसमें हम बताएंगे आपको कि क्या चीज़ कितनी कितनी डालनी है और कितने पानी में आपने उसको देना है। तो ये है दोस्तों, देखिए इसमें आप देख रहे होंगे वीडियो में, इसमें अदरक है 50 ग्राम और लहसुन है 4 कलियाँ और जी बड़ी इलायची है 1, लौंग है 8 लौंग है, काली मिर्च है 10, छोटी इलायची है 2 छोटी इलायची हैं, ठीक है। लहसुन है 4 कलियाँ, अदरक 50 ग्राम, ये पिसी हुई सौंफ है 1 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच, ठीक है दोस्तों। आपने इन चीज़ों को जो है दोस्तों कम से कम 1.25 लीटर पानी में आपने इसको बढ़िया करके उबालना है और इतना उबालें कि पानी उबलने के बाद 1 लीटर रह जाए, ठीक है। पानी काला पड़ जाता है उस टाइम जब 1 लीटर रह जाएगा बढ़िया, और इसको छानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे ही जब गर्म हो जाए तो आप जो कबूतरों का कुंडा रहता है 1.25 लीटर या 1 लीटर का, तो उसमें आप जो है चाय वाले कप जो आते हैं ये देख लीजिए इस तरह का कप, ये 2 कप पानी आपने जो कबूतरों का पीने वाला पानी रहता है उस वो पानी भी गर्म होना बहुत ज़रूरी है। इतना भी गर्म ना हो जो कबूतरों को नुकसान दे, ठीक है, निमाया पानी हो। तो आप उसमें ये जो है 2 कप पानी जो ये नुस्खा बता रहा हूँ मैं, आप उसमें मिलाइए कबूतरों को दीजिए, तो ठंड में वे काफ़ी महफूज रहेंगे, सही रहेंगे, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर रिपीट में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गर्म पानी में क्या क्या डालना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, अदरक 50 ग्राम, सौंफ 1 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच, 2 छोटी इलायची, 10 काली मिर्च, 8 लौंग, बड़ी इलायची और जी लहसुन की 4 कलियाँ, इनको आपने जो है अब पानी में डाल देना है। तो ये हमने दोस्तों देखे पानी में डाल लिया है सब कुछ, ठीक है जी, और जहाँ तक हो सके ये देखिए पानी मैंने पहले से रखा हुआ था गर्म करने। अब आप इसको इतना उबालिए कि ये काला पड़ जाए, कम से कम 1.25 लीटर से ये 1 लीटर पानी रह जाए, तो आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हो, कबूतर को दे सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।